गाइस वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा मेकअप जिसको करने के लिए आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, इसको आप घर बैठे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस मेकअप को करने के लिए सबसे पहले आपने अपने फेस पर प्राइमर लगा लेना। प्राइमर को आप अपने फेस पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे। दोस्तों, प्राइमर इसलिए लगाया जाता है ताकि जो भी आप मेकअप करते हैं वो आपकी स्किन पर ज्यादा देर तक टिका रहता है। आंखों के नीचे जो काले घेरे होते हैं उनको छुपाने के लिए हम कलर करेक्टर का यूज करेंगे। उसके बाद मैं अपनी आईज पर लगाने वाली हूँ कंसीलर। कंसीलर मैंने यहाँ पे इनसाइड कंपनी का लिया है। अगर आपके पास किसी और कंपनी का भी है तो आप यूज कर सकते हैं उसको। तो कंसीलर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। कंसीलर को हल्के हाथ से ब्लेंड करना होता है। उसके बाद में उसके ऊपर से कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लूंगी ताकि कोई क्रीज वगैरह ना बने आईज के ऊपर, और जो भी मैं कलर अपनी आईज को आईज मेकअप करने के लिए यूज करूंगी ताकि वो अच्छी तरह से पॉप होके बाहर आ सके। देन मैं अपनी आईज ब्रोज को फिल कर लूंगी अच्छी तरह से पेंसिल के साथ और उसको अच्छे से कॉम कर लेंगे। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना यहाँ पे आई मेकअप। आई मेकअप को करने के लिए मैंने यहाँ पे काजल का इस्तेमाल किया है। आपके पास जेल आईलाइनर है तो आप जेल आईलाइनर भी यूज कर सकते हैं, और इसको मैं एक ब्रश की हेल्प से स्मच कर लूंगी। उसके ऊपर मैंने यहाँ पे ब्राउन शेड का यूज किया है। अगर आपके पास कोई और शेड है या आप अपने सूट के साथ मैचिंग कोई शेड यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्राउन शेड का यूज किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑरेंजिश शेड यूज किया है, और इन तीनों कलर्स को मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है ताकि ये बिल्कुल मिलकर एक कलर लगे। बिल्कुल भी पता ना चल सके कि हमने कौन सा कलर कब यूज किया है। बिल्कुल केकी नहीं लगना चाहिए हमारा आई मेकअप, और बिल्कुल जितना अच्छे से हम इसको ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा हमारा आई मेकअप लगेगा। देन मैं उसके बाद यहाँ पे काजल अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि काजल के बिना मैं तो रह ही नहीं सकती। काजल तो मस्ट होता है हर मेकअप लुक को और भी ज्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए। काजल के साथ जो हमारी लुक है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। सारा आई मेकअप डन करने के बाद फिर बारी आती है मस्कारा की। मैंने यहाँ पे पर्पल कंपनी का मस्कारा यूज किया है। आपके पास कोई और भी है तो चलेगा। तो मस्कारा को बिल्कुल अच्छे से अपनी आई लैशेज को कॉम करना चाहिए, फिर आई लैशेज लगाने की भी आपको जरूरत नहीं होती। देन मैं अपनी आईज मेकअप कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है अपने पूरे फेस पे, और इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से ब्लेंड करना होता है। फाउंडेशन जितना आप ब्लेंड करेंगे हल्के हाथ से उतना आपका मेकअप फ्लॉलेस होकर आएगा, उतना अच्छा खिलकर आएगा आपका मेकअप। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है अगर आप इसकी ब्लेंडिंग अच्छे से करते हैं। तो जब भी आप अपना मेकअप करते हो तो याद से आपको वो फाउंडेशन अपनी नेक और ईयर्स पे भी अप्लाई करना है ताकि उनका कलर अलग ना लगे आपकी स्किन से। और उसके बाद जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो तो नेक्स्ट आपका जो स्टेप होता है वो आपको कॉम्पैक्ट पाउडर बिल्कुल मस्ट है कि आपको लगाना चाहिए, नहीं तो आपका जो बेस है वो केकी लगेगा। उसके बाद मैंने अपनी चीक्स को यहाँ पे कॉन्टोर किया है ताकि अगर आपका फेस पतला है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है करने की। अगर आपका फेस मोटा है थोड़ा सा तो आपको इसको शेप देना चाहिए। देन मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ ब्लश। ब्लश हर लड़की का फेवरेट होता है। ब्लश लगाने से हमारी जो ब्यूटी होती है, हमारा मेकअप होता है, वो और भी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। तो यहाँ पे ब्लश मैं बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो ब्लश है वो बहुत ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी में ही यूज होता है। अगर बहुत ज्यादा लगा लूंगी तो वो बिल्कुल फैल जाएगा पूरे फेस पे। अब मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर लगाने से हमारी जो स्किन होती है वो काफी ज्यादा शाइन करने लग जाती है। आप डिफरेंस देख सकते हैं वीडियो में। आप किसी भी ब्रश से हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। ब्रश के साइड से आपको हाइलाइटर यूज करना चाहिए, और जो हाइलाइटर लगाने का तरीका है, हमारे फेस पे जो भी एरिया हाई होता है उस एरिया पे हाइलाइटर यूज किया जाता है। और मेकअप में हाइलाइटर का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब भी आप किसी पार्टी फंक्शन में जाते हो, कोई भी लाइट आपके फेस पर पड़ती है, जहां जहां पे आपने हाइलाइटर यूज किया होगा तो वो एरिया अपने आप हाइलाइट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज लिपस्टिक, जिसके बिना मेकअप बिल्कुल अधूरा सा रहता है हमारा। मैं यहाँ पे करवा चौथ लुक क्रिएट कर रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेड कलर की लिपस्टिक का यूज किया है। अगर आप कोई और भी लिपस्टिक यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो।
मेरा मेकअप यहाँ पे डन होता है लिपस्टिक के साथ। मुझे तो ये लुक बहुत ज्यादा अच्छी लगी, होप सो कि आपको भी ये लुक बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। देन मैं अपना एक बन बना लूंगी, यहाँ पे सिंपल सा ही बन बना लूंगी और उसके ऊपर मैं ये गजरा लगा रही हूँ। मुझे ये वाला गजरा तो सही नहीं लगा था क्योंकि मेरे से अप्लाई नहीं हुआ ये, और फिर उसके बाद मैंने ये पुराने टाइम पे जो शादियां होती थी वहां पे ये वाला गजरा यूज किया जाता था, तो मुझे यही वाला बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने उसको उतार के ये वाला गजरा यूज कर लिया। और उसके बाद मैंने वियर किया येलो कलर का नेकलेस जो कि मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगा, और इसी के साथ मेरा मेकअप होता है डन। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। करवा चौथ लुक है तो सिंदूर के बिना तो बिल्कुल इनकम्प्लीट ही रहती है, तो मैंने यहाँ पे सिंदूर को भी लगा लिया है। और एक चीज और जो मेरी मेकअप में रह गई थी वो है बिंदी। बिंदी को लगाने के बाद तो मेकअप बिल्कुल ही एक अलग लुक ले लेता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है हमारा मेकअप। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।